विश्व कप अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत में 46 दिन के इस बड़े आयोजन में 47 मैच हो चुके हैं। अब आखिरी और फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होगी। भारत 2 बार अब तक चैंपियन बना है और ऑस्ट्रेलिया 5 बार खिताब जीतने में सफल हुआ है। टीम इंडिया की नजर 12 साल बाद विजेता बनने पर होगी। इस मैच में जीतने वाली टीम पर पैसों की बारिश होगी। आईसीसी ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्राइज मनी की घोषणा कर दी थी। उसने टूर्नामेंट में प्राइज मनी का बजट 83.29 करोड़ रुपए रखा था। इस मैच विजेता बनने वाली टीम को 33.31 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं फाइनल में हारने वाली टीम को 16.65 करोड़ रुपए संतोष करना पड़ेगा। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को 6.66 करोड़ रुपए मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ग्रुप दौर में बाहर होने वाली 6 टीमों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और नीदरलैंड को भी पैसे मिले हैं। इन 6 टीमों को 83.29 लाख रुपए मिले हैं। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में का टिकट कटाया है। वहीं कंगारू टीम ने भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की है। अब 20 साल बाद खिताबी मुकाबले में दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने होगी। तब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रन से हराया और खिताब अपने नाम किया था। भारत की नजर 2003 में मिली हार का बदला लेने पर है। उसने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला ले लिया था। अब उसकी नजर एक और बदले पर है। टीम इंडिया अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर 20 साल पहले फाइनल में मिली हार का बदला लेना चाहेगी।